सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, याद रखिएगा आपके जनरली जो मैंने चार केसेज करवाए हैं उन चार केसेज के ऊपर ये सभी क्वेश्चंस क्या होंगे बेस्ड। आपको जो जो हिंट आपको मैं पीछे वीडियो में बताया है मैंने, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी के सभी टॉपिक्स उसी से रिलेटेड चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए बी एंड सी। अच्छा, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे गिवन है। कितना गिवन है? ये गिवन है आपका 3:1। तो मैं क्या करता हूं, 3/6 को 3:2:1 ये लिखते हैं। अब आपको जो मैंने आपको केस नंबर फर्स्ट करवाया था उसमें क्या बोला था कि न्यू पार्टनर का आपको क्या गिवन होगा, रेशो गिवन होगा। जस्ट आपको न्यू पार्टनर के रेशो के बिहाफ पर उसको बेस मानते हुए रिमेनिंग मंथ्स का क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पर आपको न्यू ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है, जस्ट क्या गिवन है, डी का शेयर। तो मैं क्या लिखता हूं, डी शेयर कितना, 1/6। अब आपको एक हिंट दे दूं जिसके बिहाफ पर मैं हर क्वेश्चन में आपको आंसर वेरीफाई करूंगा, बार बार बोलता हूं आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी, गेनिंग रेशियो वाले में भी और न्यू पीएसआर कैलकुलेशन में भी आपको आंसर वेरीफाई करके दूंगा जिसमें आप पेपर में श्योर हो। तो ये मेरी क्या है, ये आपकी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में कौन पार्टनर है, ए बी एंड सी। याद रखिएगा पार्टनरशिप फर्म का जो टोटल पार्ट होगा वो टोटल पार्ट हमेशा कितना होगा, वन। कितना होगा, वन। वो टोटल पार्ट हमेशा आपका क्या रहेगा, वन, आफ्टर एडमिशन या आफ्टर रिटायरमेंट, व्हाट एवर डजेंट मैटर। मेरा टोटल पार्ट कितना है, वन है। देखिए कैसे किया मैंने, 3+2+1 कितना आया, 6। डिवाइड में क्या था, 6, 6 को 6 से वो करके कितना आया, 1। और मैंने क्या बोला, आपका पार्ट क्या होगा, 1। वेरीफाई हो रहा है, जब एडमिशन हो गया उसके बाद भी क्या रहेगा, ये 6। तो मैं सपोज करता हूं लेट टोटल पार्ट ऑफ फर्म इच 1, तो जिसका शेयर मुझे गिवन है वो शेयर ले लीजिए, डी का शेयर कितना है, 1/6। अगर डी को 1 में से 1/6 दे दिया तो रिमेनिंग पार्ट किसका बचेगा, ए बी एंड सी का। तो मैं क्या करता हूं, रिमेनिंग शेयर निकाल लेता हूं, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/6 एलसीएम लेना आता है, तो आपका एलसीएम लेके कितना रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ये रिमेनिंग पार्ट बच गया आपका 5/6, 5/6। अब इसके लिए मैं हिंट यूज करता हूं, 5/6 का, 5/6 का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ऑफ। का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ऑफ। और ऑफ का मतलब यहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैं बोलता हूं 5/6 का 3/6, ये कौन है आपका, ए। ये कौन है आपका, बी। ये कौन है आपका, सी। और ये कौन है आपका, डी। अब मैं बोलता हूं 5/6, तीनों के लिए क्या था, सिमिलर, क्योंकि इसी में से डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको बार बार रिपीट कर दूं, अगर आपको पेपर में कोई भी हिंट गिवन नहीं होता तो सिंगल एंड सिंगल, प्रोडक्ट मेथड में भी बताया था आपको चैप्टर नंबर सेकंड में, तो सिंगल एंड सिंगल आप सिंगल एक ही यूज कर सकते हो, उसका उसके लिए कौन सा रूल लागू होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो 5/6 का क्या किया मैंने, 3/6, 5/6 का 3/6, 5/6 का 2/6, 5/6 का 1/6, और न्यू पार्टनर कितने के लिए आया था, 1/6 के लिए। ठीक है, अब देखिए ये कितना आता है मल्टीप्लाई करके, 15/36। ये कितना आता है, 10/36।
ये कितना आता है 5/36, एलसीएम लेना आता होगा बच्चों, कैसे करोगे, 6 6 जा 36, 6 कहां पे आ जाएगा ऊपर, बेस में क्या चला गया 36, ठीक है। तो ये किया, अब मेरा न्यू पीएसआर जब मैंने कैलकुलेट किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, ये निकल के आया 15:10:5:6, ये आ गया। सर आपने आंसर वेरीफाई करने के रिगार्डिंग बोला था, देखिए 15 और 10 25 25 और 5 30, 30 और 6 36, तो ऊपर कितना आया 36, बेस में कितना है 36, 36/36 1, टोटल पार्ट कितना होता है 1, बिफोर एडमिशन कितना था 1, आफ्टर एडमिशन कितना है 1, इट मींस आपका आंसर श्योरली ठीक है, आपने वेरीफाई किया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज किस रेशो में, 7:5 में। ओल्ड पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर आपके राम एंड श्याम, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:5, ये आ गया। दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 ईयर। सेकेंड केस मैंने आपको बताया था, जब आपका न्यू पार्टनर ओल्ड वन पार्टनर से शेयर्स को इक्वली लेता है, एक में प्रपोर्शन मिलेगा, ठीक है ना, एक में इक्वली लेगा और एक में फ्रैक्शंस मिलेगा, ये सारे केस 1/1 आएंगे। पहला केस, जब कोई न्यू पार्टनर आया था उसकी शेयरिंग गिवन थी ओल्ड वन की, कोई भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं थी, आपने निकाल दिया। सेकंड वन में न्यू पार्टनर इक्वली लेने लग रहा है, तो ये बोलता है कि 1/6 के लिए आया, जो राम और श्याम से वो इक्वली लेता है, ये कौन हो गया राम, ये कौन हो गया श्याम, कितने के लिए आया था 1/6 के लिए आया था। अब ये 1/6 के लिए आया था, कौन है ये न्यू पार्टनर, इसका नाम दे रखा है गोपी, गोपी शेयर कितना है, इसका शेयर दे रखा है आपको 1/6। अब ये दोनों देंगे, अब इक्वली 1/6, इक्वल का मतलब दो होंगे तो 2 से, 3 होंगे तो 3 से, 4 होंगे तो 4 से, इसके 2 हिस्से बांट दिए मैंने 1/2, और 1/6 इंटू में 1/2, तो कितना आया 1/12, कितना आया 1/12। इस तरह आपने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। सर फिर आंसर वेरीफाई करेंगे, तो गोपी का शेयर जितना था उतना ही रहने वाला है, सिर्फ मैंने इन दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिए है। ये जो दोनों निकाले हैं सर आपने, ये क्या निकाले हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि टोटल फर्म का पार्ट क्या रहने वाला है 1, जब तक आपके ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाइस नहीं करते, जब तक न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो गोपी का शेयर कैसे निकाला आपने, गोपी का शेयर 1/12 + 1/12 कितना आता है 2/12, काटना 1/6, उसका पार्ट तो वही है, इन दोनों ने इक्वली दे दिया 1/12 और 1/12 में, ठीक है। इस तरह आप करते हो, जैसे इसका एक डेमो दे दूं मैं आपको, ये ए और बी थे, इसका शेयर 50% और इसका शेयर कितना था 50, सी आता है कितने के लिए 20% के लिए, सी कितने के लिए आया 20, तो ऑब्वियसली अगर सी 20 के लिए आता है और ये दोनों इक्वली दे दें, तो ए और बी कितना देगा 10, कितना देगा 10, तो इसके शेयर में से 10% क्या हो गया डिडक्ट, कितना रह गया 40, उसके शेयर में से भी 10% क्या हो गया डिडक्ट, कितना रह गया 40, और उसको कितना मिल गया 20, 40 40 20, वापस कितना आएगा 100, इट मींस 1, वो तो सिमिलर ही रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, न्यू पीएसआर कौन कौन है, ये राम श्याम और गोपी। देखिए, राम का शेयर कितना था 7/12, श्याम का शेयर 5/12, सुनिए, अब राम का शेयर 7/12 था, उसमें से अगर वो 1/12 पार्ट सैक्रिफाइस कर देता है तो उसकी वजह से उसका शेयर क्या हो जाएगा कम। जब किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज होता है, वो रिटायरमेंट में सिखाऊंगा एग्जिस्टिंग पार्टनर,
एडमिशन के दौरान जब कोई पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर जाएगा तो अपना शेयर किसके लिए छोड़ के जाएगा, रिमेनिंग्स के लिए, तब आएगा वो एक्वायरिंग होगा, वहां पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, सैक्रिफाइस 1/12, तो सैक्रिफाइस करने से कम हो गया। एज इट इज इसने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/12, इसका शेयर भी कम हो गया। उसने 1/12 यहां से, 1/12 यहां से, कितना आ गया, 2/12 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूं, 6, 4, 2, तो 6 इसको काटना 3 पे, इसको काटना 2 पे, 1 पे, 3:2:1, 6 और 4 10, 10 और 2 12। अगर आंसर को वेरीफाई करना चाहते हो, 12/12, दोबारा मेरा आंसर कितना आया, 1। केस नंबर सेकंड था बेटा ये आपका, केस नंबर सेकंड, जिसमें आपने क्या किया कि नए पार्टनर ने इक्वल प्रोपोर्शन में गेन किया है एग्जिस्टिंग पार्टनर से। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए है, आप ट्राई करेंगे। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब साफ सी बात है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करूंगा, जो फर्स्ट केस और सेकंड केस करवाया मैंने, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों को मर्ज करने वाला है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को यूटिलाइजेशन देखिए। सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर इन ए फर्म, शेयरिंग रेशियो, क्या रेशियो था, पार्टनर्स आपके सुरेश एंड रमेश, शेयरिंग रेशियो, रेशियो क्या गिवन है, 5:3, ये गिवन है। अच्छा, ऑन 1st April 2018 दे एडमिटेड दीपक, दीपक शेयर, दीपक का शेयर कितना गिवन है हमें, 1/4। फिर दोबारा आगे करण आएगा, बट इसके रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है। नया पार्टनर आ गया, आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि नए पार्टनर को ओल्ड वन पार्टनर्स ने किस प्रपोर्शन में कितना शेयर दिया, कुछ गिवन होता तो यूज करते। अब आपको हिंट दे रखा है मैंने, जब पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो फर्म का टोटल पार्ट तो पता होगा, लेट टोटल पार्ट ऑफ फर्म इच वन, तो दीपक शेयर्स 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, 3/4। हिंट में क्या बोला था, का मतलब आपने क्या बताया, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, मल्टीप्लाई, ये आगे भी यूज होएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई किसका, इसका। तो मैंने क्या किया, ये आया आपके सुरेश, ये आपका आया रमेश, और ये आया आपका दीपक, कितना था, 3/4, 3/4, इसका का 5/8, अच्छा 3/4 × 3/8, और उसका कितना, 1/4, 15/32, 9/32, एलसीएम लेना 4×8=32। तो मेरा न्यू पीएसआर जो निकल के आया इन तीनों पार्टनर्स का, वो बनता है 15:9:8, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 बटा 32 1, अभी तक आप सही चल रहे हो। अब इसी में इन फ्यूचर आपका कौन सा पार्टनर आ गया, कर्म, कौन आ गया, कर्म। तो मैं पहले यहां पे क्या करता हूं, पहले मैं यहां पे ओल्ड रेशियो लिख देता हूं, ओल्ड रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब आगे सुरेश, रमेश और दीपक, इनके रेशियो कितने बन गए, 15:9:8, 15:9:8, ये इनके रेशियो हो गए आपके 15:9:8। अब कौन आ गया, करण, करण, करण के रिगार्डिंग बोलता है, वो करण जो आया था कितने के लिए आया, 1/6, और तीनों पार्टनर से इक्वली लेता है, 1/6 के लिए आया। अब इक्वली लेने लग रहा है तीनों पार्टनर से, तो कौन कौन है ये, ये है सुरेश, ये है रमेश, और ये है आपका दीपक। तो मैंने बोला था अगर दो पार्टनर हो इंटू में 1/2, 3 हो तो इंटू में 1/3, 4 हो तो इंटू में 1/4, तो मैंने क्या किया, 3 है तो 1/3, 3 है तो 1/3, 3 है तो 1/3, ये आया 1/18, 1/18 और 1/18। कितनी बार आपको बताऊं, एडमिशन होगा किसी पार्टनर का तो पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वो अपने शेयर में से क्या करेंगे, काटेंगे,
ये कौन हो गया सुरेश, ये कौन हो गया रमेश, ये कौन हो गया दीपक, और ये कौन हो गया करण। जो करण आ रहा है, करण तो इन शेयर्स को क्या कर लेगा, एडअप, क्योंकि उसको तो मिलने लग रहा है। ठीक है, तो ये कौन है सैक्रिफाइस करने वाले, 15/32 माइनस में 1/18, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे सेकंड वन 9/32 माइनस में 1/18, फिर मैंने क्या किया 8/32 माइनस में क्या कर दिया मैंने 1/18, इसको जोड़ दो 1/18 प्लस 1/18 प्लस 1/18, इसका तो 3/18 आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं आपा, कितना आया 32 और 18, 4 8 जा 18, 2 4 जा 9, अब कितना आया 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, 72 4 जा 288, तो ये कितना बना मेरा 288। अब 288 को अगर आप डिवाइड करें तो कितने पे जाने लग रहा है ये आपका, ये जाने लग रहा है आपका 9 पे, 32 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो कितना आएगा 288, और 59 जा 135। फिर मैं बात करता हूं 18 की, कितने की 18, 18 1 जा कितना आ गया 18, फिर कितना आया आपका 108, कितना आया आपका 108, तो 18 6 जा 108, 16 आ गया। तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, मैंने यहां पर 16 आने के बाद यहां पे क्या डाला 16 डाल दिया, क्या डाल दिया 16, तो 135 में से 16 गए, 119 डिवाइड में 288, कितना आया 288। अगले का एलसीएम लीजिए, सिमिलर 288, 32 को किया 9, 99 जा 81, और ये करने के बाद कितना आया 16, 81 में से 16 जाते हैं तो कितना आता है 65, तो 65 बाय में 288। फिर आगे चलिए 288, 32 कितना आता है 9, 98 जा 72, और यहां पर कितना आ गया 16, तो ये काटने के बाद 56 बाय 288। एज इट इज इसका एलसीएम लेता हूं मैं, एलसीएम लिया मैंने, कितना आया 16, 16 3 जा 48 बाय 288, तो मेरा रेशियो कितना बना 119 प्लस 65 56, और ये सारे जोड़ोगे तो बेटा कितना आएगा 288, 288 बाय में 288 कितना आएगा 1, यानी आंसर करेक्ट है, रेशियो आ गया 119, रेशियो 65, रेशियो 56 और रेशियो 48। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों को मर्ज कर दिया, कहीं आप टॉपिक को भूल ना गए हो, इनके भी आकर आपने क्या किया क्वेश्चन सॉल्व किया। क्लियर है, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ए और बी ये पार्टनर हैं, इनका रेशियो कितना दे रखा है मेरे को 7:3, सी वाज एडमिटेड विद 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही टुक, सी का शेयर, एक पार्टिकुलर रेशियो लेता है ये, कितना लेता है, पार्टिकुलर रेशियो हो गया इसका 3/7, कितना हो गया 3/7। आगे भी बोलता है जो वो ए और बी से लेने लग रहा है, ए और बी से लेने लग रहा है 2/7 फ्रॉम ए और 1/7 फ्रॉम बी, मैंने आगे हिंट दिया फ्रॉम, मैंने आगे हिंट दिया फ्रॉम, चेक कर लेना बेटा आपके पेपर में गिवन होगा, मेरे को यहाँ पे फ्रॉम गिवन है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है उनके शेयर में से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग बाय ओल्ड पार्टनर, तो इनके शेयर में से क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे, और न्यू पार्टनर क्या कर रहा है एक्वायर, उसके शेयर में क्या कर दोगे प्लस, तो कौन है ये ए, कौन है ये बी, कौन है ये सी, सी होगा हाँ, तो क्या रेशो हुआ 7/10 माइनस में 2/7, फिर मैंने क्या किया 3/10 माइनस में 1/7, इसने क्या किया 3/7 लिया था 2 + 1 = 3, ठीक है एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना बनता है एलसीएम 70, 10 7 जा 7 7 जा 49, 7 10 जा 10 2 जा 29/70 फर्स्ट वन, सेकंड 70, 10 7 जा 7 3 जा 7 10 जा
ये कितना आया 11/17, एलसीएम लीजिए 7 10 जा 10 3 जा 30/17। अब आपका न्यू पीएसआर जो आया, न्यू पीएसआर जो इनका निकल के आता है वो कितना निकल के आया 29:11:30। क्लियर है? ये आ गया आंसर वेरीफाई। 29 और 11 40, 40 और 30 70, 70/70 1। इट मींस मैं सही चल रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट सिमिलर वही फ्रॉम है, आप क्या करोगे माइनस करोगे। आपके लिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग रेशियो। क्या रेशियो है? 3:3:2। ये इनका रेशियो दे दिया। अच्छा, दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर कितने के लिए? 4/7 के लिए। तो डी का शेयर 4/7, ये किसका शेयर आ गया? डी का शेयर। डी एक्वायर्ड ही शेयर 2/7 फ्रॉम ए। मैं क्या करता हूं, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ए बी सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, याद रखना। पहली बात तो सैक्रिफाइस जब कोई भी पार्टनर करता है उसके शेयर में से माइनस करना है, पहला हिंट। अगर आप इसको ना पकड़ पाओ, दूसरा हिंट आपको न्यू पीएसआर में क्या मिलेगा? फ्रॉम। इसको पकड़ लेना। एक इंग्लिश में हिंट होता है फ्रॉम का मतलब माइनस, और इससे अगला टॉपिक चलेगा आपका किसका? फ्रैक्शन वाला, उसमें ओफ हिंट होगा आपका। चलिए, अब कितना किया ए ने? 2/7, 2/7। आगे हिंट में क्या दिया? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस करना, डिडक्ट कर देना, ठीक है। फिर बी, बी के रिगार्डिंग बोलता है कितना किया? 1/7, 1/7 के आगे भी क्या आया? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। फिर मैं बात करता हूं सी, सी ने कितना किया? 1/7, 2 1 1 4 इक्वल होना चाहिए। तो इसने भी क्या किया? फ्रॉम दे रखा है। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया आपका? माइनस। ये आपने इस तरह कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? न्यू पी एस आर ए बी सी एंड डी। मैंने क्या किया? 3/8, 3/8, 2/8, और इसका सिमिलर रहने देना 4/7। 3/8 माइनस कितना गया? 2/7। 3/8 माइनस 1/7, माइनस 1/7। ये लेके बैठा है। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, 7 8 जा 8 2 जा, तो कितना आया? 5/56। ऐसे हम लीजिए 56, 8 7 जा, 7 3 जा, 7 8 जा, तो कितना आया? 23 - 8, 23 में से 8 गए, कितने आएंगे? कितने आएंगे? 23 में से 8 गए, सॉरी 21 - 8 कितना आएगा? 13, 13/56, फिर 56, 8 7 जा, 7 2 जा, 14, माइनस में 7 8 जा, 6/56, ऐसे हम लीजिए 7 8 जा, 8 4 जा, 32, 32/56। तो आपका क्या आ गया? न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर निकालने के लिए क्या किया आपने? ये आया 5, या आया 13, या आया 6, और या आया 32। एक बार आंसर वेरीफाई करें। 32 और 6 38, 38 और 13 51, 51 और 5 56, 56/56 1। इट मीन आपका ये जो न्यू पीएसआर है वो इज इक्वल टू 1 आ रहा है। आपका आंसर एकदम करेक्ट है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये मेरा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, ठीक है बेटा। बेटा अब हम करने जा रहे हैं आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका डीके वर्ल्ड की बुक में, याद रखिएगा। व्हाटएवर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो या आप हरियाणा बोर्ड से बिलोंग करते हो। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसके मैं दोनों ही पार्ट आपको करवाऊंगा। लूसी एंड जेनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो। कौन कौन है ये? ओल्ड पार्टनर्स लूसी एंड जेनी, एंड ओल्ड रेशियो इज कितना दे दिया मेरे को? 4:3, 4:3। दे एडमिट एलन, एलन को एक्वायर करते हैं, एलन को एडमिट करते हैं एलन शेयर।
कितना बनता है एलन का शेयर? 20%। कोई बात नहीं, परसेंटेज को आप रेशियो में फ्रैक्शंस में ले आओ। कितना? 1/5 के लिए एल एस एक्वायर्ड इस शेयर इन रेशियो ऑफ 1:2, इन रेशियो ऑफ 1:2। ये आपके आ गया फ्रैक्शन, क्या आ गया आपके फ्रैक्शंस आ गए। 1:2 दे रखा है ना, इट मीन्स ये कौन है? ये दे रखा है लूसी, और ये क्या दे रखा है? जेनी। लूसी ने क्या किया? लूसी ने दिया 1/2। कितना दिया? 1/2, सॉरी 1/, लूसी ने कितना दिया? 1/3, और जेनी ने कितना दिया? 2/3। साथ में उसने आपको फ्रॉम भी दिया है, फ्रॉम का मतलब उनके शेयर में से क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। बट मेरे को क्या बोलता है वो? ऑफ एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी। इट मींस लूसी और जेनी के शेयर में से डेफिनेटली ही माइनस होगा। क्या होगा? डेफिनेटली ही माइनस होगा। बट बात चल रही है किसके? एलन के शेयर की। यहाँ पर इसने फ्रैक्शंस में लिया है, और जब कोई न्यू पार्टनर फ्रैक्शंस में शेयर्स को एक्वायर करता है उसके लिए क्या था? ऑफ। और ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या बोला हिंट में? ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कौन सा रूल लागू होगा? मल्टीप्लाई। और वैसे भी आपको बता रखा है जब आपको कुछ भी गिवन ना हो कि कैसे आया, क्यों आया, कब आया, तो उसके लिए कौन सा रूल लगा देना? मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देना। तो फिर सबसे पहले क्या आएगा? एलन एक्वायर्ड फ्रॉम लूसी, और फिर एलन एक्वायर्ड फ्रॉम जेनी, लूसी और जेनी से। कितना किया लूसी से? कितना एक्वायर किया? 1/5 था। का मतलब ऑफ, इनटू में 1/3, 1/15 आता है यहां से। और जेनी से कितना किया? 1/5 का 2/3, तो कितना गया? 2/15। ठीक है, उन दोनों के लिए क्या हो जाएंगे? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके लिए क्या हो जाएंगे? ये गेनिंग रेशियो। दोनों को ऐड कर दोगे तो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो किसका शेयर निकल जाएगा? ऐड करने के बाद एलन का शेयर आ जाएगा, और उनके शेयर में से माइनस कर दोगे तो उनका भी न्यू पीएसआर। क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के लिए जो ये शेयर है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए ये दोनों ही शेयर क्या होंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और न्यू पार्टनर्स के लिए यही शेयर क्या बन जाएंगे? क्योंकि वो तो गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से क्या किया जाएगा? इसको लेस। ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से क्या करोगे? लेस। और न्यू पार्टनर के शेयर में से क्या कर दोगे? ऐड। न्यू पार्टनर के शेयर में क्या कर दोगे? से ऐड, क्योंकि वो गेन कर रहा है। अब कैलकुलेट करते हैं न्यू पीएसआर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कौन है? लूसी। कौन है? जेनी। कौन है? एलन। लूसी का शेयर कितना दे रखा आपको? 4/7, माइनस में 1/15। अच्छा जी, जेनी 3/7, माइनस में 2/15। एलन 1/15 यहां से था, 2/15 यहां से था, तो कितना था? 3/15। एलसीएम 1/05, 5 के मल्टीप्लाई की मैंने, कितना आया? 15। 15 चौके 60, 60 15 सत्ता, ये आया 53/105। 1/05 कितना आया? 5, 15, 15 किया 45, माइनस में 15 सत्ता 7 × 14, कितना आया? ये आता आपका 45 में से गए 31/105। एलसीएम 15 सत्ता 105, 7 × 21, 21/105। 53 और 31, 53 और 31 कितने होते हैं? 84, 84 प्लस में 21, 105, 105/105 कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। तो रेशो आपका होगा 53, 31 और 21, ये आपका क्या होगा? न्यू पीएसआर होगा। सेकंड वन बिल्कुल एक्यूरेट है, एबीसी 3-2-2 है, डी को एडमिट किया 1/5। इस 1/5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2/5,
टू बाई फाइव, वन बाई फाइव, उनके लिए क्या जाएगा वही सैक्रिफाइसिंग, इसके लिए क्या जाएगा गेनिंग, इसके में ऐड कर देना, उनके शेयर में से माइनस कर देना। अब जो क्वेश्चन नंबर सेवन है, आपने चारों के चारों केस कर लिए, चारों केस के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर सेवन। उस क्वेश्चन नंबर सेवन में हम सारे केसेज करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो पार्टनर ए और बी है, उनका रेशियो कितना दे दिया मेरे को 3:2 या गया। फिर मेरे को बोलता है उन्होंने एडमिट किया सी को, सारे केसेस दे देते हैं, सी का शेयर कितना आ गया 1/5। केस नंबर फर्स्ट, C gets it equally from A and B. It means case number second. जब न्यू पार्टनर अपने शेयर को एक्वायर करता है रिमेनिंग पार्टनर से इक्वल प्रोपोर्शन में, तो किससे ले रहा है A और B से इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो 1/5 इंटू, दो थे तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, तो 1/5 इंटू में 1/2 कितना आया 1/10, कितना आया 1/10। ये क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस करेगा उसके शेयर में से माइनस कर देना, जो गेन करेगा उसके शेयर में प्लस कर देना। तो ये क्या आया ए बी एंड सी कितना था 3/5 माइनस में 1/10, 2/5 माइनस में 1/10, इसका कितना था 1/10 प्लस 1/10, इसका तो हो गया 2/10। ऐसे हम लीजिए 5 2 जा 2 2 जा 4, ये आए आपके 3/10, 5 2 जा 2 3 जा, ये आपके आगे 5/10। तो न्यू पीएसआर आपका कितना निकल के आया, न्यू पीएसआर मेरा निकल के आता है यहां पर 5:3:2। ये मेरा था केस नंबर फर्स्ट। अब हम करने जा रहे हैं केस नंबर सेकेंड। केस क्या रहेगा सिमिलर, ओल्ड पार्टनर ए और बी 3:2 का रेशो, C gets it A and B in the ratio of 2:1। सर केस नंबर फोर्थ, जिसमें आप फ्रैक्शंस में क्या करते हो शेयर्स को एक्वायर करोगे, और जहां पर फ्रैक्शंस में करते हो वहां पे कौन सा था ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, केस नंबर फोर। अब ओल्ड रेशियो इनका दे दिया, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है मुझे, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। उसके बाद इन्होंने क्या किया C को एडमिट किया था कितने के लिए 1/5, ये A ये B किस फ्रैक्शंस में, इसने क्या किया 2/3 और इसने क्या किया 1/3। अगर आपको फ्रैक्शंस में दे रखा है केस नंबर फोर, वहां पे क्या करोगे आप ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब कितना शेयर दे रखा था इसका 1/5, मल्टीप्लाई कर दो इंटू में 1/5, इंटू में 1/5, तो यहां पर आता है 2/15 और यहां पे आता है 1/15। बार बार सिमिलर बात रिपीट कर रहा हूं आपको कि जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके शेयर में से क्या कर देना माइनस, और जो गेन कर रहा है इट मींस अपकमिंग पार्टनर उसके शेयर में क्या कर देना प्लस। समझ रहे हो मेरी बात को, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये आता है आपका ए, ये आता है बी और ये आता है आपका सी, 3/5 माइनस में 2/15। बी ने क्या किया, बी ने किया आपका यहाँ पे 2/5 माइनस में कितना 1/15, और सी, सी तो एक्वायर करने वाला था 2/15 प्लस 1/15 कितना आ गया 3/15। ऐसे हम लीजिए 15, 5 3 जा 3 3 जा 9 और ये कितना आ गया 2 7/15, इसका एलसीएम 5 3 जा 3 2 जा 5/15 और 3/15, तो मेरा रेशो कितना आया 7:5:3। टोटल पार्ट कितना होता है पार्टनरशिप फर्म का 1, आंसर वेरीफाई करवाता हूं, 7 5 12 12 3 15 15/1, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। पॉइंट नंबर 3 करते हैं अब हम, देखिए सी गेट इट। अब एक केस ऐसा होता है जिसमें एक पार्टनर अपने प्रपोर्शन में से आपका
अपकमिंग पार्टनर को सारा शेयर दे देता है और जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को कांस्टेंट रख लेते हैं। इट मींस जो अपने शेयर को कांस्टेंट करेंगे उनके शेयर एज इट इज छोड़ देने हैं और जो आपका सैक्रिफाइस कर रहा है सैक्रिफाइस मींस उसका शेयर डिडक्ट हो जाएगा, उसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सी का शेयर कितना था, 1/5। मेरे को बोलता सारा शेयर देने वाला कौन है, ए। कौन है, ए। तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम कौन सा पॉइंट डिस्कस करने जाएंगे, पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का ही। तो इसमें ओल्ड रेशियो आपको एग्जिस्टिंग गिवन है 3:2। सी कितने के लिए आया था, 1/5 के लिए। ए का शेयर सी कितने के लिए आया था, 1/5। ए का शेयर कितना था, 3/5। कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5, तो कितना आ गया, 2/5। ठीक है, बी ने कुछ नहीं किया क्योंकि ए ने सरेंडर किया था, तो बी के शेयर को 2/5 को एज इट इज छोड़ दीजिए। सी कितने के लिए आया था, 1/5। इसने सैक्रिफाइस किया था, इसने गेन कर लिया था, 2+2+1। तो इनका न्यू पीएसआर अगर आप देखने के लिए जाएं तो न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, 2:2:1। आ रहा या नहीं आ रहा? ठीक है, ये आ गया। अब पॉइंट नंबर 4 में सेम केस है, 3:2 है, सी कितने के लिए आया, 1/5। अब यहां पर पॉइंट नंबर 4 में ए की जगह कौन करेगा, बी। ए का शेयर क्या रखेंगे आप, कांस्टेंट 3/5, बी का शेयर 2/5, कितना दे दिया, 1/5, कितना रह गया, 1/5। सी कितना गेन कर रहा है, 1/5। तो न्यू पीएसआर यहां पर कितना हो जाएगा, 2:3:1:1। 3/5 कितना होता है, 1। ये आपका आ गया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन इसी 7th क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 5th के, पॉइंट नंबर 5th के। आपका ओल्ड पार्टनर 3:2 का रेशो था, सी कितने के लिए, 1/5 के लिए। अब मेरे को बोलता है सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम ए और 1/20 फ्रॉम बी। ओके, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। हिंट बता रखा है, ये कौन सा था, जब आपका न्यू पार्टनर शेयर को परचेज करता है किससे, ओल्ड पार्टनर से, किससे, ओल्ड पार्टनर से, इन प्रपोर्शंस, इन प्रपोर्शंस। इक्वल प्रपोर्शन नहीं बोला मैंने, मैंने बोला प्रपोर्शनेटली। केस नंबर 3 जो आपको करवाया गया था, अब वो देखते हैं आपका। इसमें क्या किया, सी ए और बी क्या करता है, 3/20। हिंट में क्या दे दिया, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। और यहां पर क्या हो गया, आगे 1/20। हिंट में क्या दे दिया, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस। तो अब आप क्या निकालोगे, न्यू पीएसआर। क्या निकालने जा रहे हो आप, न्यू पीएसआर। कौन आया, ए। कौन आया, बी। कौन आया, सी। 3/5 माइनस में सैक्रिफाइस का मतलब माइनस, 3/20, 2/5 माइनस 1/20, और इसका कितना था, 3/20 + 1/20, 4/20। एलसीएम लीजिए, 5 × 4 = 4, 2 = 2, ये आया 7/20। एलसीएम लीजिए, 5 × 2 = 4, 3 = 4, ये कितना आया आपका, 9/20। रेशो 9:7:4, ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 9 × 7 = 16, 16 × 4 = 20। ये आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं किसकी, किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका लास्ट केस से रिलेटेड है, जहां पर आपके न्यू पार्टनर रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर से जो शेयर को एक्वायर करेगा किसमें करेगा, फ्रैक्शंस में। और अगर वो फ्रैक्शंस में करता है तो वहां पे हिंट में क्या मिलेगा, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। सी इज एडमिटेड, पहले ए और बी पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो कितना रेशियो दे दिया इनका, 7:3। किसको एडमिट करते हैं, सी को,
न्यू पार्टनर ए सैक्रिफाइस टू बाय सेवन ऑफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ सी और बी सैक्रिफाइस वन बाय सेवन ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ सी ओके तो ए सरेंडर ए सरेंडर्स बी सरेंडर्स कितना था सेवन बाय टेन थ्री बाय टेन ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने शेयर से टू बाय सेवन से वन बाय सेवन से इसका आता है फोर्टीन बाय सेवेंटी इसका आता है थ्री बाय सेवेंटी सरेंडर मीन्स सैक्रिफाइज सरेंडर मीन्स सैक्रिफाइज सैक्रिफाइज कर रहे हैं तो इनके शेयर में से क्या कर दिया जाएगा माइनस और जो रिमेनिंग पार्टनर है न्यू पार्टनर वो क्या कर रहा होगा गेन उसके शेयर में क्या कर दोगे प्लस तो आपने क्या किया न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो कौन कौन है ये ए पी एंड सी कितना आया सेवन बाय टेन माइनस में कितना आया फोर्टीन बाय सेवेंटी उसके बाद थ्री बाय टेन माइनस में थ्री बाय सेवेंटी उन दोनों को एक बार ऐड कर लो फोर्टीन बाय सेवेंटी प्लस थ्री बाय सेवेंटी एलसीएम लीजिए टेन सेवन जा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन ये कितना आ गया थर्टी फाइव बाय सेवेंटी एलसीएम लीजिए टेन सेवन जा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और ये कितना आ गया थ्री एटीन बाय सेवेंटी एलसीएम लीजिए ये कितना आ गया लेने की जरूरत नहीं चौदह और तीन सत्रह सत्रह बटे सत्तर आंसर वेरीफाई करवा देता हूँ सत्रह और अठारह पैंती पैंती और पैंती सत्तर सत्तर बटे सत्तर एक इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है ये मेरा था क्वेश्चन नंबर एट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ अरुण भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग रेशो क्या है ओल्ड रेशो थ्री रेशो टू रेशो थ्री ओके दे डिसाइड टू एडमिट सहजाद एज ए पार्टनर They decided to admit Sajjad as a partner. Arun surrender 1 by 3rd of his share in favor of Sajjad. Arun ne kitna kiya? 1 by 3rd. Of bola of. Of ka matlab multiply. To, main kya karunga? Arun surrenders. Theek hai, in favor of Sajjad. Kitna tha iska share? 3 by 8. Of ka matlab ka? Ka matlab multiply. कितना कर दिया इसने इसने कर दिया वन बाय थ्री तो इंटू वन बाय थ्री काटो वन बाय एट आ गया फिर कौन है सेकंड नंबर पे भूषण भूषण सरेंडर्स भूषण सरेंडर्स कितना था टू बाय एट इसका कितना कर दिया उसने इसने कर दिया आपका वन बाय फोर वन बाय फोर तो कितना आया वन बाय सिक्सटीन थर्ड वन पार्टनर कौन है चेतन चेतन सरेंडर इन फेवर ऑफ शहजाद थ्री बाय एट इंटू वन बाय फाइव ठीक है ये कितना आता है इसका थ्री बाय फोर्टी कौन तीनों क्या कर रहे हैं तीनों करने लग रहे हैं सरेंडर इट मीन्स सैक्रिफाइज तो ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से क्या कर देना माइनस और इन तीनों को ऐड करके किसका शेयर आ जाएगा आपके शहजाद का क्योंकि वो गेन कर रहा है गेन वाले को प्लस करना है हमें ठीक है चलिए अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले नंबर पे अरुण दूसरे नंबर पे भूषण तीसरे नंबर पे चेतन और चौथे नंबर पे शहजाद कितना था अरुण का थ्री बाय एट माइनस में वन बाय एट टू बाय एट इसका कितना था 2 by 8 माइनस में 1 by 16 ऐसे हम लोग 8 2 जा कितना आ गया 8 2 जा 2 2 जा 4 3 by 16 चेतन कितना था 3 by 8 माइनस में 3 by 40 ऐसे हम लोग 40 8 5 जा 8 5 जा 5 3 जा और ये कितना आ गया आपका 3 12 by 40 और इन तीनों का एलसीएम कितना बनता है 1 by 8 प्लस वन बाय सिक्सटीन प्लस थ्री बाय फोर्टी अब इन सभी का एलसीएम लेते हैं इन सभी का एलसीएम कितना आया एट
16, 40, 8 वन जा, 8 टू जा, 8 फाइव जा, तो ये आया 80, 8 टेन जा, 16 फाइव जा, और 42 जा, 3 टू जा, 10 और 5, 15, 15 और 6, 21, 21 बटे 80, अब इसका एलसीएम लो, 40 दुनी 80, 12 दुनी 24, 24 बटे 80, 16 पंजे 80, 5 तिया 15, 15 बटे 80, 8 दाए 80, और 10 टू जा, 10 टू जा 20, ये आ गया आपका। तो न्यू पीएसआर कितने निकल के आते हैं, 20:15, 24:21, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, टोटल 80 आता है या नहीं आता, 20 प्लस 15, 35, 35 प्लस में 24, 35 प्लस 24 कितने होते हैं, 59, 59 प्लस 21 कितने होते हैं, 80, 80 बटा 80, 1, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10th है आपका, क्वेश्चन नंबर 10th में कुछ आपको जनरलाइज भी करना है, जनरलाइज उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे देखिए, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या करना है, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2, ओके, ऑन 1st अप्रैल 2016 दे एडमिटेड सीता एंड राधा एज ए न्यू पार्टनर, दो पार्टनर आए हैं सीता और राधा, ठीक है, तो यहां पर किसका शेयर लिखा मैंने, सीता शेयर और राधा शेयर, कितने कितने के लिए आए, कुछ भी नहीं बता रखा अभी, सिर्फ ये बताया है, राम सैक्रिफाइज 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का सरेंडर रेशियो निकाल लो, एक तो किसका, राम का, यहां पे क्या आएगा, राम सैक्रिफाइज, दूसरा कौन है, मोहन, मोहन सैक्रिफाइज, राम ने सैक्रिफाइज किया इन फेवर ऑफ सीता और मोहन ने सैक्रिफाइज किया इन फेवर ऑफ राधा, तो ऑफ दे रखा है 3/5, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इनटू में क्या कर दिया, 1/3, तो काट के कितना आया, 1/5, ओके, उसका कितना था 2/5, इनटू में कितना सैक्रिफाइज किया, 1/2, तो कितना आ गया, 1/5, कितना आ गया, 1/5, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं राम और मोहन की, राम और मोहन इन शेयर्स को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइज, और अगर मैं बात करूं सीता और राधा की, तो वो क्या कर रहे हैं, गेन, तो इनके शेयर में क्या कर दोगे, उसे प्लस, और उनके शेयर से क्या कर दोगे, माइनस, ठीक है। तो ये आ गया राम, ये आ गया मोहन, ये आ गया आपका सीता, और ये आ गया आपकी राधा, ओके, राम का 3/5 माइनस में कितना कर दिया उसने सैक्रिफाइज, 1/5, तो कितना आया, 2/5, अच्छा मोहन का 2/5 कितना दे दिया, 1/5, सीता ने कितना लिया, 1/5, राधा ने कितना लिया, 1/5, तो न्यू पीएसआर आपको अगर कैलकुलेट करना पड़े तो कितना आया, 2:1:1:1, 5/5, एक होता है, ये कर दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं मैं, फिर मेरे को बोलता है प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 3,60,000, अब सुनो, पहले वो प्रॉफिट अगर आपके प्रीवियस ईयर के होते तो किसमें जाता, वो जाते राम और मोहन में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब आपका क्या हो गया, चार पार्टनर आ गए, तो साल के अंदर ये चारों पार्टनर क्या करेंगे, जो भी इनका न्यू पीएसआर आएगा उसमें प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किसमें ट्रांसफर करने का पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, उसकी एंट्री होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की तो कौन सी एंट्री हो गई, इसकी तो होगी क्लोजिंग एंट्री, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी होगी, ओपनिंग एंट्री,
कौन सी एंट्री होगी? ओपनिंग, उसको क्लोज मार दिया, इसको ओपन कर दिया, कितने से? 360,000 से, 360,000 से। अब ये कर दिया, अब इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग से क्या करनी है? क्लोजिंग। तो क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू ए, टू बी, टू सी और टू डी, ए बी सी एंड डी, ये आ जाएंगे आपके। तो ये ए बी सी डी को 360 को कैसे दे दोगे? किसमें? 2/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5, इस तरह आप क्या कर दोगे? इनको डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11, वो तो आपका एज इट इज है, जो आपने चार टॉपिक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखे, थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या किया है, यहां पर कोई भी न्यू पार्टनर आते हैं तो ओल्ड वन पार्टनर्स में से क्या होता है कि वो आपकी किस तरह बेटा आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ओके, दे एडमिट सी एंड डी, इक्वल पार्टनर है तो इनका रेशो कितना हो गया? 1:1, ठीक है। सी और डी को एडमिट किया, सी का शेयर कितना बनता है? सी का शेयर बनता है 1/5, डी का शेयर कितना बनता है? 1/6, उसका बना 1/5 और इसका बना 1/6। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स? कुछ भी गिवन नहीं है, न्यू पार्टनर आ गए, कुछ भी गिवन नहीं होता, तो टोटल पार्ट कितना होता है पार्टनरशिप फर्म का? 1। लेट टोटल पार्ट इज इक्वल टू 1, टोटल पार्ट कितना हो गया आपका? 1 हो गया, ओके। उसके बाद मैं बात करता हूं रिमेनिंग पार्ट की। रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए 1 माइनस में क्या करना था? पहले 1 का होता था ना, कोई बात नहीं 2 का ले लो, 1/5 + 1/6, इनका एलसीएम लेता हूं मैं। एलसीएम कितना आया? 30, 5 6 जा 6 5 जा, 1 माइनस में 11/30, ये कितना हो गया आपका? 1 में से 30 - 11 कितने आए? 19, 19/30 कितना आया? 19/30। अब ये 19/30 किसके लिए बच गए? ये बच गए आपके ए और बी के लिए। मैंने आपको बता रखा है कुछ भी गिवन ना हो तो वहां पर क्या आता है? ऑफ, इट मींस सिंगल, भाषा में आपको बता दूं तो मल्टीप्लिकेशन रूल आप ये लागू करोगे। अब क्या करते हैं आपका इसका इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये आया सी और ये आया डी। कितना था? 9/30 इंटू में 1/2, 9/30 इंटू में 1/2, इसका कितना? 1/5, इसका कितना? 1/6, ये आया 19/60, 19/60, एलसीएम लीजिए 5/12, एलसीएम लीजिए 10/60, रेशो आता है 19, 19, 12 और 10, 19 और 19 38, 38 और 12 50, 50 और 10 कितने हो गए? 60, 60/60 1 या गया। इट मीन्स आपने क्या कर दिया? आपने आंसर को वेरीफाई कर दिया। इसके भी आप पर आपने क्या निकाल के दिया? आपने कैलकुलेट किए हैं आपके चारों मेथड को यूटिलाइज करते हुए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ न्यू पार्टनर एडमिशन, क्लियर है बेटा? इसके बाद अब हम करने जाएंगे कौन सा सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस।